लतीफ भाई हमें ये बताइए कि सिंध कल्चर डे ये शुरुआत कैसे हुई थी, कब से ये मनाया? कि सिंध कल्चर डे आज से कोई 10 साल पहले या 11 साल हुए होंगे, टीएन सिंधी चैनल है, ठीक है, उन्होंने इसका स्टार्ट दिया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग बेसिकली आज है सिंध कल्चर डे और हम जा रहे हैं टीएक्स कल्चर डे इवेंट पे और मेरे साथ हैं मुबशर मैर शाहद और ये डीएक्स सिंध कल्चर डे पटी साहब हमारे प्यारे हैं। सब हाय बोल रहे हैं, बोल दें कि वीडियो पूरी देखनी है और चैनल को वीडियो कोई बंदा ना देखे, यकीन करें तो हाय हाय कैसे हो आप। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और रेडी हैं जाने के लिए, तो ये सब लोग खड़े हैं यहाँ पे अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं। भाई आप लोग गए नहीं, अभी जा रहे हैं आप आपका वेट कर रहे हैं आपका वेट कर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी कल्चर डे, हैप्पी कल्चर डे। लतीफ भाई हमें ये बताइए कि सिंध कल्चर डे ये शुरुआत कैसे हुई थी, कब से ये मनाया जा रहा है? अस्सलामुअलैकुम। ऐसे कि सिंध कल्चर डे आज से कोई 10 साल पहले या 11 साल हुए होंगे, यहाँ एक टीवी चैनल है केटीएन सिंधी चैनल है, ठीक है, उन्होंने इसका स्टार्ट दिया था 2013 ही था या 12 था, तो उन्होंने ये सिंध कल्चरल डे इनिशिएट किया था। तो वो पहले साल बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया, तो वो एक रिवायत बन गई। फिर उन्होंने ये कहा कि हम इसको ना हर साल जो है वो सेलिब्रेट करते रहेंगे। सही। तो फिर उन्होंने दिसंबर की कोई एक तारीख रख देनी थी, तो एक ही तारीख पूरे सिंध में जो है ना वो सेलिब्रेट होता था। सही। तो बाद में फिर दूसरे साल में एक सिंध टीवी चैनल है वो भी उसमें शामिल हो गया, आवामी आवाज़ चैनल, आवाज़ टीवी चैनल है वो भी उसमें इंक्लूड हो गए। तो फिर उन्होंने क्या क्या मुख्तलिफ डेट्स अपनी अपनी रख के उन्होंने अपना, उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि अब जो है ये तकरीबन हफ्ते 10 दिन के लिए या 15 दिन तक भी मुख्तलिफ डेज में मुख्तलिफ डेट्स में मुख्तलिफ शहरों में सेलिब्रेट होता है। पहुंच चुके हैं पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम कराची। ये आप देखें यहाँ पे कितना रश है, गाड़ियों की पार्किंग बड़ी मुश्किल से हमें पार्किंग मिली है और बस अभी हमारी जो है वो एंट्री है। और रईस भाई सर सब हम दोस्त यहाँ पे अंदर जाने के लिए रेडी। दोस्त आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा जी, सिंध कल्चर डे और ये अवार्ड
अंदाल भाई को मिला है और ये सब टीम के जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। आपको यहाँ पे आ गए बहुत ही बुरा, बस फिलहाल अभी भूख लग रही है। अच्छा भूख के लिए कुछ इंतजाम करते हैं ना यहाँ पे? क्या है यहाँ पे अच्छी मिलेगी? इनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, बस जाने लगे हैं। कॉन्सर्ट हो रहा है और अभी इनाम भी जो इन्होंने रखा हुआ है निकलना है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्वायरमेंट रहा है और बड़ा ही ज़बरदस्त ये इवेंट है। हर साल ये होता है यहाँ पे पाकिस्तान मैरिटाइम म्यूजियम के अंदर और काफ़ी हल्ला गुल्ला शुगर भी हुआ कॉन्सर्ट पे। अभी भी चल रहा है पीछे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे फैमिलीज के लिए स्टॉल शॉप और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।